IPL 2023 के सीजन की शुरुआत होने में सिर्फ एक दिन बाकी है। 16वें सीजन का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस के बीच 31 मार्च को होगा। दोनों टीमों के दरमियान ये मैच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। सीजन के पहले ही मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। MS धोनी की टीम CSK पिछले साल के प्रदर्शन को भूलकर मैदान में उतरेगी, वहीं हार्दिक की गुजरात टाइटंस की टीम अपनी बादशाहत कायम रखना चाहेगी। आइए आपको CSK और गुजरात टाइटंस के बीच खेले जाने वाले मैच की संभावित प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रेडिक्शन के बारे में बताते हैं। दरअसल गुजरात टाइटंस की टीम का IPL में बहुत पुराना इतिहास नहीं है। बीते साल गुजरात की टीम ने IPL में दस्तक दी। IPL 2023 में CSK और गुजरात टाइटंस के बीच दो मुकाबले हुए। इन दोनों मुकाबलों को हार्दिक की टीम जीतने में सफल रही। इस तरह आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो गुजरात की टीम CSK पर भारी है। वहीं अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को बल्लेबाजों के अनुकूल माना जाता है, लेकिन जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर कारगर साबित होने लगते हैं। यहाँ की पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 170 रन रहा है। आंकड़े गवाही है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम मैच जीतने में ज्यादा सफल रहती है, इसलिए टॉस जीतकर पहले बोली करने वाली टीम फायदे में रहेगी। मैच वैसे कहा जाता है कि क्रिकेट मैच में जब तक आखिरी गेंद ना फेंक दी जाए तब तक भविष्यवाणी करने से बचना चाहिए। CSK और गुजरात के बीच खेले जाने वाले मैच को कोई भी जीत सकता है, लेकिन आंकड़ों की बात की जाए तो इस मैच में हार्दिक की टीम CSK पर भारी पड़ सकती है। गुजरात टाइटंस की टीम काफी बैलेंस, उनके पास कई उपयोगी ऑलराउंडर है। गुजरात टाइटंस को अपने घर में खेलने का फायदा भी मिलेगा। कुल मिलाकर पहले मुकाबलों में गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी है और उनके जीतने के चांसेस ज्यादा है। अब CSK और गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। पहले मुकाबले की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो CSK की तरफ से डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड पारी की शुरुआत करेंगे। 3 नंबर पर मोइन अली, 4 नंबर पर अमित रायडू, 5 नंबर पर बेन स्टोक्स, 6 नंबर पर शिवम दुबे, 7 नंबर पर MS धोनी, 8 नंबर पर रविंद्र जडेजा, 9 नंबर पर दीपक चाहर, 10 नंबर पर मुकेश चौधरी और 11 नंबर पर ड्वेन प्रिटोरियस नजर आ सकते हैं। वहीं गुजरात टाइटंस की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो शुभमन गिल और मैथ्यू वेट करेंगे पारी की शुरुआत। 3 नंबर पर केन विलियमसन खेलते नजर आ सकते हैं। 4 नंबर पर हार्दिक पांड्या, 5 नंबर पर अभिनव मनोहर, 6 नंबर पर राहुल तेवतिया, 7 नंबर पर ओडियन स्मिथ, 8 नंबर पर राशिद खान, 9 नंबर पर शिवम मावी, 10 नंबर पर यश दयाल और 11 नंबर पर मोहम्मद शमी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।